चैनपुर साहब की सड़क सड़क हूँ सारिया नवीनीकरण किया गया। पंज प्यारा पार्क का टोटल नवीनीकरण जो अजकल एक खिच का केंद्र बनया हुआ, गुरु तेग बहादुर जी का म्यूजियम है उसकी सारी रेनोवेशन की गई है। इस तो अलावा नेचर पार्क बहुत जल्द तैयार हो जाएगा विरासत खालसा के पिछे, जिते पार्किंग सीधिया गड्डिया पार्किंग जाएंगी, उस तो बाद संगत अलग अलग थावां ते जा सकती है। वह भी उसारी उदीन है, नवंबर तो दिसंबर तक वह भी तैयार हो जाएगा। माता नैना देवी नूं जांदी सड़क दी सुंदरीकरण किया गया। तो इदां दे होर बहुत सारे खूबसूरत प्रोजेक्ट अज चल रहे, जो एक दो दिन कंप्लीट हो जाएगा। आनंदपुर साहब की स्ट्रीट लाइटों को ब्यूटीफाई करांगा, क्योंकि वाइट सिटी का दर्जा पर सही मैनेज हूँ इस वाइट सिटी बनूगी। सारे शहर में पेंट करवाया गया, चाहे बस स्टैंड हो, पुलिस स्टेशन हो, जिनी भी सरकारी इमारतें ने उन्होंने पेंट कराया गया। पहली बार विरासत खालसा में क्राफ्ट मेला लग रहा, ओपन एयर थिएटर के जेड़े आ गटका चलता पिया, ढाडी वारा ऑडिटोरियम चलदियाँ पईआं, ये सब नवे उपराले ने। शटल बसों का बंदोबस्त किया गया ताकि शहर में जाम ना लगे, श्रद्धालु जेड़े आ वो बड़े श्रद्धापूर्वक वक् वक् गुरुधामों से चरण गंगा स्टेडियम से जाके या होर भी मेले का आनंद माण सकन। 11 पार्किंग शटल बसों का पहली बार हो रहा, ईवन एसी बसों का भी बंदोबस्त किया गया ताकि संगत उत्थे पार्किंग च रुके, तो उस तो बाद उन्होंने बसों के राही उस जो आनंदपुर साहब के किसी भी गुरु घर जाना, चरण गंगा स्टेडियम जाना, विरासत खालसा जाना, पंज प्यारा पार्क जाना, तो बसा हर 15 मिनट बाद उतों चल दिया रहने। पूरे पंजाब च वसदे जिहड़े जिन्ने भी साढ़े पूरे पंजाब ते दुनिया च वसदे पंजाबियों ते सबनों हार्दिक निमंत्रण दिंदा जी, सद्दा दिंदा कि जरूर आओ। इस बार असीं बहुत चंगीआं तैयारियां कीतीआं, आओ होला महल्ले दा आनंद माणो ते गुरु साहब दा आशीर्वाद प्राप्त करो। सिक्ख्या मंत्री हरजोत सिंह बैंस आनंदपुर की धरती से पहुंचे ने, होले मोहल्ले लैके कल कई प्रोजेक्टों के उद्घाटन किए जाएंगे और जनता के हवाले कर दिए जाएंगे। इसी उत्ते गलबात करने लिए सिक्ख्या मंत्री साढ़े नाल, सर होले मोहल्ले लैके की प्रोजेक्ट के नवे उद्घाटन किए जा रहे? सब तो पहले तो मैं गुरु साहब का कोटान कोटान शुकराना करना, मेरे ते बहुत वड्डी कृपा कीती है मेरे हल्के दे लोकां ने, संगत ने, कि इस महान धरती की नुमाइंदगी करन दा मौका मिलिया। तो एक साल हो गया जी, इस एक साल दे विच असी आनंदपुर साहब शहर दे लई बहुत सारे प्रोजेक्ट ते जिहदे अज लोग चर्चा भी कर रहे ने, ते जिहड़े बाहरों श्रद्धालु आ रहे वह भी देख रहे हैं कि पिछले ते इस साल च की फर्क ने। चाहे आनंदपुर साहब की सड़क हूँ सारिया नवीनीकरण किया गया, पंज प्यारा पार्क का टोटल नवीनीकरण जो अजकल एक खिच का केंद्र बनया हुआ, गुरु तेग बहादुर जी का म्यूजियम है उसकी सारी रेनोवेशन की गई है। इस तो अलावा नेचर पार्क बहुत जल्द तैयार हो जाएगा विरासत खालसा के पिछे, एक टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर जिते पार्किंग सीधिया गड्डिया पार्किंग जाएंगी, उस तो बाद संगत अलग अलग थावां ते जा सकती है। वह भी उसारी उदीन है, नवंबर तो दिसंबर तक वह भी तैयार हो जाएगा। माता नैना देवी नूं जांदी सड़क की सुंदरीकरण किया गया। तो इदां दे होर बहुत सारे खूबसूरत प्रोजेक्ट अज जिहड़ी एक होर प्रोजेक्ट चल रहा, जो एक दो दिन कंप्लीट हो जाएगा। आनंदपुर साहब की स्ट्रीट लाइटों को ब्यूटीफाई करांदा, क्योंकि वाइट सिटी का दर्जा पर सही मैनेज हूँ इस वाइट सिटी बनूगी। सारे शहर में पेंट करवाया गया, चाहे वह बस स्टैंड हो, पुलिस स्टेशन हो, जिनी भी सरकारी इमारतें ने उन्होंने पेंट कराया गया। पहली बार विरासत खालसा में क्राफ्ट मेला लग रहा, ओपन एयर थिएटर के जेड़े आ गटका चलता पिया, ढाडी वारा ऑडिटोरियम चलदियाँ पईआं, ये सब नवे उपराले ने। शटल बसों का बंदोबस्त किया गया ताकि शहर में जाम ना लगे, श्रद्धालु जेड़े आन वो बड़े श्रद्धापूर्वक वक् वक् गुरुधामों से चरण गंगा स्टेडियम से जाके या होर भी मेले का आनंद माण सकन। जे गल करिए होला महला शुरू हो चुका, दूरों संगत आनी भी शुरू हो गई, ट्रैफिक की व्यवस्था को सुचारू रूप में चलाने वास्ते प्रशासन ना तुहाडी कोई गलबात हुई है कि उन्होंने तरीका रखा गया? लगातार जी, हुण भी मैं एक मीटिंग करके आया, तो उस यही है जी, 11 पार्किंग बना दित्तियां गईआं ने, 11 पार्किंग के पॉइंट्स के उत्ते, तो मैं संगत भी बेनती करूँगा, सब कुछ थोड़े उहदे लई है ताकि तुसीं शांतिपूर्वक तरीके नाल ते बहुत आनंदपूर्वक तरीके नाल होले महल्ले दा आनंद माण सको। वो 11 पार्किंग के उत्ते शटल बसों का पहली बार हो रहा, ईवन एसी बसों का भी बंदोबस्त किया गया ताकि संगत उत्थे पार्किंग च रुके, तो उस तो बाद उन्होंने बसों के राही उस जो आनंदपुर साहब के किसी भी गुरु घर जाना, चरण गंगा स्टेडियम जाना, विरासत खालसा जाना, पंज प्यारा पार्क जाना, तो बसा हर 15 मिनट बाद उतों चलदिया रहनगिया। पिछले दिन अजनाला दे विच बड़ा मनभागा हादसा होया, उसनू लैके इत्थे ज़्यादा सिक्योरिटी लगाई गई है, क्योंकि सीएम भगवंत मान केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी मुलाकात करके आए सी
देखो जी, पंजाब दी अमन ते शांति दे नाल कोई भी शख्स कोई भी ताकत जिहड़ी है जेकर उसने दी शांति दे नाल खेडन की कोशिश करूगी तो साढ़े सी एम साहब उसके उत्ते लगातार नज़र बनाई रखने ते मैनू पूरी उम्मीद है कि सी एम साहब बहुत सख्त उहदे ते एक्शन लैणगे। ओपोजिशन पार्टियां वालों लगता लगातार आप दे उत्ते शब्दां दे वार कीते जा रहे, लगातार गैंगवार हो रही है, जेल दे विच वी जे गल करो उत्ते वी मारकुट हो रही है, बंदे मरी जा रहे हैं। मैं थानू आखूंगा कि मैं होले महल्ले उत्ते केंद्रित रहना चाहूँगा क्योंकि मैं बतौर आनंदपुर साहब के MLA भी कला सिक्ख्या मंत्री तौर पर नहीं पर आनंदपुर साहब के MLA के नाते मैं पूरे पंजाब च वसदे जिहड़े जिन्ने भी साढ़े पूरे पंजाब नूं ते दुनिया च वसदे पंजाबियों नूं ते सब नूं हार्दिक निमंत्रण दिंदा जी, सद्दा दिंदा कि जरूर आओ। इस बारी असीं बहुत चंगी तैयारियां कीतियां, आओ होला महल्ले का आनंद माणो ते गुरु साहब का आशीर्वाद प्राप्त करो। बहुत धन्यवाद। कल मुख्यमंत्री भगवंत मान जी भी आ रहे हैं। हाँ जी जी, वो भी नतमस्तक होंगे। हरजोत सिंह बैंस, कैमरामैन जतिन, विनय शर्मा, दैनिक सवेरा TV, आनंदपुर साहब।